चुनाव आते ही बड़बोले नेताओं का अंबार लग जाता है चर्चा में बने रहने के लिए और जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नेता भड़काऊ बयान देते हैं। बसपा के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भले ही नए नए राजनीति में आए हों लेकिन इनके बयान काफी लंबे हैं और अपनी इन्हीं बयानबाजी की वजह से उन्होंने सबका ध्यान तो अपनी तरफ खींच लिया लेकिन अब वो मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद ने 28 अप्रैल को सीतापुर में बीएसपी के उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद ने अपने भाषण में गद्दार और चोरों की सरकार जैसे शब्दों का जिक्र किया था। इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। इसके बाद तो अब चुनावी मैदान से वो बाहर हो गए हैं। जब से उन पर FIR दर्ज हुई है तब से वो चुनावी मैदान से पीछे हट गए हैं। बसपा ने उनकी 4 चुनावी सभाएं बिना किसी कारण बताए रद्द कर दी।